तो चलिए सीधा आपको ले चलते हैं करनाल, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी इस वक्त हैप्पी कार्ड वितरण जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं और कार्ड वितरण यहां पर किया जा रहा है। नवदीप विर्क जी, डायरेक्टर सुजान सिंह जी, करनाल के हमारे जनरल मैनेजर जीएम महोदय, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव अधिकारीगण, और आज इस बहुत ही लोकहित की जो योजना है, इस योजना में हरियाणा के हमारे अलग अलग स्थानों से लगभग 34 स्थानों के ऊपर आज ये इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है, और वहां इस कार्यक्रम में हमारे सभी मंत्रीगण, सभी हमारे विधायकगण और सभी अधिकारीगण वहां पर भी उपस्थित हैं, और मैं उन सबको भी और आप सबको भी आज जो इस योजना का कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का कि हमारे जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशरीज हैं, ये निर्णय किया गया कि जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे सब परिवारों को हैप्पी योजना हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, इस योजना के साथ जोड़ करके 1000 किलोमीटर की यात्रा वो इस कार्ड के ऊपर कर सकें, ये सुविधा ये आप लोगों को दी है। आज जितने भी हमारे बेनिफिशरीज जो लाभार्थी आज यहां उपस्थित हैं या वर्चुअल उपस्थित हैं, मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबको राम राम भी करता हूं। सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को गरीबों के हित के अंदर उनके उत्थान के लिए समय समय के ऊपर लॉन्च करते हैं। ये योजना हैप्पी योजना भी अत्यंत ऐसे वर्ग के लिए है कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है या कोई बाजार के अंदर सामान लेने के लिए जाना है या कहीं किसी धार्मिक स्थल के ऊपर भ्रमण करने के लिए जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कहीं किसी रिश्तेदारी में शादी में जाना है, तो इस योजना का लाभ उठाते हुए आप बस के अंदर फ्री में आप सफर कर सकते हैं। ये योजना ये सरकार ने आप लोगों के लिए चलाई है। मैं इसके लिए सभी जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, सभी नौजवान साथी हैं, मैं सभी का आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं। और मुझे ये खुशी है कि ये हैप्पी इसके माध्यम से बताया भी गया है कि हमने एक जो फिल्म देखी है उस फिल्म के माध्यम से लगभग 23 लाख ऐसे परिवार हैं और 23 लाख परिवारों में से 84 लाख लोगों को हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना का लाभ मिलने वाला है और बहुत सारे हमारे परिवार इस योजना का लाभ भी उठा चुके हैं जिनको ये कार्ड हमने वितरित किए थे। लगभग 1,11,123 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ भी उठाया है, और मुझे ये बताते हुए भी बड़ी खुशी है कि जो हमारे रजिस्ट्रेशन हुआ है इस योजना के माध्यम से, लगभग आवेदकों ने 41
1817 ये जो हैप्पी कार्ड वितरित हुए हैं, 39 लाख किलोमीटर की ये यात्रा उन्होंने इसके माध्यम से ये कवर करेंगे, जो ये हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, जो दिए जा रहे हैं। जैसा बताया भी है कि एक व्यक्ति इस कार्ड के माध्यम से 1000 किलोमीटर की यात्रा का वो लाभ उठा सकता है, इस योजना के माध्यम से जो सरकार ने ये योजना लॉन्च की है अभी आप लोगों के लाभ के लिए। सरकार गरीबों की मदद करते हुए कि उनको विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ना, अभी हमने पीछे देखा भी है कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर जो गुड गवर्नेंस के माध्यम से ऑनलाइन जो सर्विस दी है, इसका सीधा सीधा लाभ वो व्यक्ति तक पहुंच रहा है। नहीं, हम ये भी देखते थे कि अगर सरकार योजना तो बन जाती थी, परंतु जिस व्यक्ति के लिए वो लाभ पहुंचना चाहिए था वो लाभ वहां तक नहीं पहुंचता था, कहीं ना कहीं वो रास्ते में ही दम तोड़ देता था, या बहुत सारे लोग छूट जाते थे जिन तक वो लाभ पहुंचता ही नहीं था। परंतु जब इसको ऑनलाइन किया गया, इस ऑनलाइन के माध्यम से डायरेक्ट व्यक्ति के घर तक डिलीवरी देने का काम ये पहली बार अगर किसी ने किया है, ये हमारी सरकार ने किया है। इस गुड गवर्नेंस के माध्यम से मैं देखता हूं अन्य राज्यों के लोग भी आकर के ऐसी योजनाओं के बारे में देखते हैं, सर्च करते हैं, और फिर वो अपने प्रदेश के अंदर भी इन योजनाओं को लागू करें, ऐसा उनके मन में है कि किस प्रकार की ये योजना के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। मैं जब ये देखता हूं कि ऑनलाइन जो प्रक्रिया शुरू हुई है, ऑनलाइन प्रक्रिया के अंदर 45 लाख ऐसे परिवार हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जिनका बीपीएल कार्ड वो बना हुआ है, जिनको डायरेक्ट लाभ इसके माध्यम से मिल रहा है। और मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि जब इसको हमने ऑनलाइन किया, पहले तो बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, 6-6 महीने साल साल चक्कर काटते रहते थे, परंतु बीपीएल कार्ड नहीं बनता था। परंतु आज इस प्रकार का सिस्टम ऑनलाइन खड़ा किया है कि अगर किसी परिवार की आय 1,80,000 रुपए से कम है तो उसका ऑटोमेटिक बीपीएल कार्ड बन करके उसके घर के ऊपर आ जाएगा और उन सब योजनाओं का लाभ उस तक वो पहुंचेगा। और उसी कड़ी के अंदर जब हम देखते हैं कि गरीबों को कैसे सशक्त, कैसे मजबूत किया जाए, ये पिछले 10 वर्षों का जो कार्यकाल है, पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और हमारी डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व के अंदर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चली हैं और उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। मैं आज आप सबको बधाई भी इस बात की देना चाहूंगा कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आप सबके आशीर्वाद से तीसरी बार एनडीए का, इस देश का प्रधानमंत्री पद का भाइयों उनको सदस्य नियुक्त किया है। एनडीए ने अपना नेता, संसदीय दल ने अपना नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुना है और तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद से वो फिर इस देश के गरीबों की सेवा करेंगे, इस देश के लोगों की सेवा करेंगे, इस देश को एक विकास की जो गति उन्होंने दी है उस विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ाने का तेज गति से काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस 2024 से लेकर के 2029 तक के कार्यकाल के अंदर और गति से लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए आज आप सबके आशीर्वाद से उनको संसदीय दल का नेता चुना गया है। मैं इसके लिए भी आप सबको बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें, आज ऐसे परिवारों के बीच में मैं आज आया हूं इस हैप्पी योजना को लेकर के कि जिन परिवारों के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं लेकर के आई है और उनको मजबूत करने का काम उनके माध्यम से किया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि 2014 से पहले अगर हम देखते थे, गरीब परिवार के घर में तो
गैस का सिलेंडर पहुंचता ही नहीं था, मिलता ही नहीं था, परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से, जो देश के संपन्न व्यक्ति थे, उन संपन्न लोगों से एक आह्वान किया कि आप अपनी सब्सिडी को छोड़िए और उस सब्सिडी का उपयोग मैं कहीं अच्छी जगह करना चाहता हूं, और देश के करोड़ों लोग इस प्रधानमंत्री जी के आह्वान के ऊपर आगे निकल करके आए और उन्होंने अपनी सब्सिडी छोड़ी और देश के अंदर 9.5 करोड़ माताओं बहनों की रसोई के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था वो नरेंद्र मोदी जी ने की है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हरियाणा के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इस योजना के माध्यम से 12 लाख हमारी माताओं बहनों की रसोई में गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने का काम ये पिछले 10 वर्षों के अंदर ये हुआ है। और मुझे ये भी खुशी है कि आयुष्मान कार्ड जैसी योजना, आयुष्मान कार्ड कि आज गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि अगर दिक्कत आ जाती है, दिक्कत कहीं इलाज कराने के अंदर पहले तो कहीं से उठाना पड़ता था या पैसे के अभाव के कारण गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था, परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की व्यवस्था की गरीब व्यक्ति को यह चिंता नहीं है कि अगर दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती है उसके इलाज के लिए एक कार्ड, आयुष्मान कार्ड बना करके गरीब व्यक्ति की जेब के अंदर डालने का काम किया और वो सम्मान पूर्वक किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के, जो पैनलिस्ट हॉस्पिटल हैं जिनको पैनल किया गया है, वहां पर जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ये अधिकार भी गरीब व्यक्ति को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें कि इस योजना का और विस्तार रूप किया गया है, इस योजना को जो हमारे पहले जो आय थी 1,20,000 रुपए, आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस इनकम को बढ़ा करके 1,80,000 किया और 1,80,000 के अंदर जितने भी हमारे परिवार थे उन परिवारों को आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड योजना बना करके उन परिवारों को जोड़ने का काम किया। और मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 125 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। आज उनको ये चिंता नहीं है कि इलाज के लिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा। ये व्यवस्था ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारी डबल इंजन की सरकार ने की है। और मुझे खुशी है इस बात की भी बताते हुए आप लोगों के बीच में, जो सरकार ने हरियाणा के अंदर पिछले दिनों इसको लॉन्च किया था, निरोगी हरियाणा योजना। उस योजना के माध्यम से कि घर घर जाकर के उसका चेकअप करना, उसको चेक करके उसको बताना कि अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, उसको अवगत कराना, और ताकि वो अपना समय के ऊपर इलाज करा सके। इस योजना के माध्यम से सरकार ने जो निरोगी हरियाणा योजना है, हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसके माध्यम से लाभ पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है बताते हुए, क्योंकि जब हम देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंदर हम देखें, लगभग 4 करोड़ मकान देश के अंदर बना करके देने का कार्य ये हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। ये ऐतिहासिक काम कि गरीब के हित के अंदर अगर मजबूत कदम किसी ने उठाए हैं, यह आजादी के बाद पहली बार है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबों को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ये कदम उठाए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान तो इस 10 वर्षों के अंदर बना करके दिए हैं, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये लक्ष्य भी लिया है, लक्ष्य नहीं संकल्प लिया है कि आने वाले इस 2024 के अंदर जब ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब औथ ले लेंगे, इसके बाद 2029 तक 3 करोड़ और नए मकान बना करके देने का कार्य ये नरेंद्र मोदी जी इन 5 वर्षों के अंदर करने का काम करेंगे। जो सोच है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी सरकार की, एक ही सोच है कि कोई भी गरीब व्यक्ति
ऐसा न रहे जिसके सर के ऊपर छत ना हो, योजनाबद्ध तरीके से उसको मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे और भी आप लोगों को बताने की ये, क्योंकि मुझे खुशी है कि सरकार इस प्रकार के जब काम करती है जिससे कि गरीब हमारा सशक्त और मजबूत होता है और उसको लगता है कि ये सरकार मेरी है। मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारा जो अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, उसके माध्यम से कि अगर किसी घर के अंदर उसने अपना उसको रिपेयर करनी है, उसमें रंग या कोई और कच्ची छत है, उसकी पक्की छत करनी है, उसके लिए भी 80,000 रुपया उस तक पहुंचाने का काम इस योजना के माध्यम से ये हमारी सरकार कर रही है। और अभी हमने इसकी पूरी लिस्ट तैयार कर ली है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था। जल्दी ही हरियाणा के अंदर लगभग काफी संख्या के अंदर जिन्होंने अप्लाई किया था, इस योजना के माध्यम से डायरेक्ट पैसा उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम इस योजना के माध्यम से वो हमारी सरकार कर रही है, ताकि गरीब व्यक्ति को मजबूत और सशक्त किया जाए। और मुझे खुशी है बताते हुए, जब ये कोरोना कालखंड आया, इस कोरोना कालखंड के अंदर हमारा जो छोटा व्यक्ति था, रेडी वाला फड़ी वाला, जिसको उसका काम बंद हो गया, वो सुबह कमाता था शाम को खाता था, इस प्रकार का वो अपना काम करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था, परंतु कोरोना कालखंड के अंदर वो दिक्कत आई और उसका कारोबार बंद हुआ। परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना लेकर के आए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, और उस योजना के माध्यम से ऐसे सब लोगों को जो फड़ी वाला था या कोई रेड़ी वाला था, जो अपना दिन भर कमाता था और कमा करके अपने परिवार का अपना गुजारा करता था, ऐसे लोगों को बिना ब्याज के 10,000 रुपया पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारी सरकार ने गरीबों के हित के अंदर जो काम किए हैं, मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना, इसके माध्यम से कि सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 71,000 रुपया अगर बिटिया की शादी होती है उस परिवार को हेल्प करने का काम ये हमारी सरकार ने इस योजना के माध्यम से किया है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, इस योजना के माध्यम से भी गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए हमारी सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से, जो हमारा पिछड़ा अति गरीब व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ा जाए और उसको भी योजना का लाभ पहुंचे और उनको इस योजना के माध्यम से सशक्त और मजबूत किया जाए, ये हमारी सरकार ने इस योजना के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं जब देखता हूं कि इन सब योजनाओं को, जो मैंने ई गवर्नेंस की बात की है, जो गुड गवर्नेंस की बात की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी इस बात के ऊपर पूरा दबाव दिया है कि हमारी सरकार गुड गवर्नेंस के माध्यम से लोगों तक सुविधा पहुंचाने का काम निरंतर करती रहेगी। परंतु कुछ लोग होते हैं जिनको इन चीजों का जो लाभ मिल रहा है, विपक्ष के इस प्रकार के हमारे साथी हैं, लगातार इन बातों का वो विरोध करते रहते हैं, क्योंकि उनके समय को ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन के माध्यम से पहले तो अगर बुढ़ापा पेंशन बनवानी होती थी उसको 6-6 महीने लग जाते थे, और मुझे ध्यान में है बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग आकर के भी बोलते थे कि भाई मुझे सेवा देनी पड़ी तब जाकर के मेरी पेंशन लगी, नहीं तो पेंशन भी नहीं लगती थी। परंतु इसको ऑनलाइन किया है, और ऑनलाइन करने के बाद जब व्यक्ति की आयु 60 वर्ष की हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसकी पेंशन लग करके उसके घर के ऊपर आ जाती है। आज सरकार ने लगातार बुढ़ापा पेंशन के अंदर ये सम्मान देते हुए, इसको बढ़ाते हुए देश के अंदर, मैं ये बात बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि पूरे देश के अंदर अगर बुजुर्गों को सम्मान भत्ता कोई सरकार दे रही है तो हरियाणा सरकार उनको 3,000 रुपया महीना पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है, और डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। और इसी प्रकार से जो हमारे दिव्यांग भाई हैं या हमारे उनको भी ये पेंशन का लाभ उसका डायरेक्ट
ऑनलाइन बन करके उसके घर के ऊपर आ जाती है और उसको भी इसका लाभ डायरेक्ट पहुंचाने का काम यह हमारी सरकार कर रही है। और हरियाणा के अंदर अगर हम देखते हैं, जो हमारा भाई ऐसा है कि जिसकी पत्नी की कोई कहीं डेथ हो जाती है और वो विदुर हो जाता है, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके हरियाणा के अंदर हमारी सरकार ने पहली बार, अगर वो 45 साल की आयु का है तो उसको भी इस पेंशन के साथ जोड़ करके उनको भी लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने ये किया है। मुझे खुशी है कि जितने भी ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ आप लोगों तक डायरेक्ट हमारी सरकार ये ई गवर्नेंस के माध्यम से ऑनलाइन पहुंचाने का काम आप लोगों तक ये हमारी सरकार कर रही है। और आज इस हैप्पी योजना के माध्यम से जो हमारे हरियाणा के लगभग 84 लाख ऐसे लोग हैं जो इस योजना का लाभ उठाएंगे, मुझे खुशी है। आप सबको मैं इस बात की बधाई भी देता हूं कि इस योजना का लाभ आप लोग, अगर आपने कहीं काम के लिए जाना है या कहीं दवाई बूटी के लिए जाना है या कोई सामान लेने के लिए जाना है, आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और जब मैं देखता हूं कि सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से व्यक्ति को, चाहे हैप्पी योजना के माध्यम से आपका सफर फ्री करने का काम किया हो, चाहे गरीब व्यक्ति के घर के ऊपर भाइयों गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की हो, चाहे हर घर के अंदर रसोई में नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम भी ये योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार ने किया है। ये मुझे इस बात की खुशी है कि इस प्रकार की योजनाओं से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक गरीब व्यक्ति के जीवन के अंदर और देश के अंदर एक बदलाव इन 10 वर्षों के अंदर देखने को मिला है, तो आज गरीब व्यक्ति भी इस बात से आश्वस्त है कि ये सरकार ये हमारे हित की सरकार है और हमारे हित के बारे में सोचती हुई ये लाभ हमारे तक पहुंचाने का काम कर रही है। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 10 वर्षों के अंदर कहीं भी कोई लीकेज नहीं है, सीधा डायरेक्ट गरीब व्यक्ति के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर वो किया है।